हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं लिमिट्स में और आज का जो लेक्चर होगा हमारा दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑन लिमिट्स। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स रह गए उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे और कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज कंटिन्यूटी। तो लिख लेते हैं पहला पॉइंट। देखना पहला पॉइंट क्या है कि हमें क्या एक्चुअली मेरा पहला पॉइंट में जो टारगेट है वो है हमारा एक्स और साइन एक्स को कंपेयर करना। तो मैंने एक कर्व लिया, लेट्स से वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब मैंने इस कर्व पे मुझे एक टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है एट 0,0। तो देखो नॉट ओनली फॉर दिस कर्व, किसी भी कर्व पे अगर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक तो कोऑर्डिनेट्स और वो ऑलरेडी बोल रहा है कि वी वांट टू राइट द इक्वेशन एट ओरिजिन, मतलब पॉइंट तो पता है। हमें एक और क्या चीज चाहिए, स्लोप। और स्लोप हम कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन से। डीवाई बाई डीएक्स क्या होता है, स्लोप होता है। तो हमने क्या किया, इस कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए 0,0 पे स्लोप निकाला। तो स्लोप क्या आएगा, dy by dx, this will be cos x, और at x is equal to 0, 0, 0 मतलब 0,0 पे क्या हो जाएगा ये, cos 0 which is 1। तो मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा, देखो y minus 0, बिकॉज ओरिजिन पे लिखना है मुझे, y minus 0 is equal to slope times x minus 0। क्लियर है? अच्छा, तो फिर मेरा ये इक्वेशन क्या आया, y is equal to x। तो देखो ये मेरी क्या आई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to sin x एट 0,0। एक बात तो ये हो गई। अब क्या करना है, अब मेरा टारगेट क्या है कि साइन एक्स और जो y इज इक्वल टू x लाइन है उसको एक सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करना है मुझे। तो लेट्स से पहले तो मैंने पहले साइन x को प्लॉट करा, लेट्स से पॉजिटिव x की बात कर लेते हैं अभी हम। ठीक है, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द पॉजिटिव वन, जस्ट अ सेकेंड। या तो देखो ये मेरा हो गया ये वाली लाइन, ये y इक्वल टू साइन एक्स कर्व हो गया। थोड़ा और इसको ऐसा बना रहा हूं मैं, वेट अ मिनट, दिस इज कर्व समथिंग लाइक दिस। अब देखना, अब मेरा क्या है कि मैंने स्लोप मैंने निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 0। अब इसमें देखो जो मेरा साइन एक्स है y इक्वल टू साइन एक्स, इसमें मेरा स्लोप कॉस एक्स आया, इधर जो मेरी वैल्यू लिखी है दिस इज नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस एक्स। इसका मतलब क्या है कि y इक्वल टू साइन एक्स पे जो मैक्सिमम स्लोप वाली लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, 1 होगा, एंड दैट इज नथिंग बट y इज इक्वल टू x। मैं भी इसी की बात कर रहा हूं, लेट्स से मैं बात कर रहा हूं 0 से पाई बाय 2 के बीच में, बिकॉज मेरा जो एनालिसिस है मेनली मुझे फोकस रखना है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के लिए। ठीक है ना, उसी कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं लिमिट्स में। तो देखो मैंने क्या बोला कि जो y इज इक्वल टू x लाइन आई, दिस इज द स्लोप, दिस इज द लाइन ऑफ मैक्सिमम स्लोप फॉर दिस कर्व, क्योंकि इधर हमने स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू ली है 1। अच्छा, अब मैंने बोला कि ठीक है मैं एक बार प्लॉट कर देता हूं, लेट्स से दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू x, दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू x। ठीक है, अब देखो, अब मैंने बोला कि फॉर अदर देन ओरिजिन, अदर देन ओरिजिन मैं और x की बात कर रहा हूं, फॉर पॉजिटिव x की बात कर रहा हूं अभी, ये जो स्लोप होगा दैट विल बी डेफिनेटली लेस देन 1, दैट विल बी लेस देन, डेफिनेटली लेस देन 1। ठीक है ना, हाँ ठीक है 2 पाई पे होगा, बट मैं उतने दूर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लेट्स से मैं 0 से 2 पाई के लिए ले लेता हूं। तो ये जो मैक्सिमम है वो 1 है। इसका मतलब क्या है कि अदर देन ओरिजिन जो टेंजेंट होगा साइन एक्स पे उसका स्लोप कम होगा। इसका मतलब क्या है कि वो दैट इज मोर इंक्लाइन टूवर्ड एक्स एक्सिस, दैट इज मोर इंक्लाइन टूवर्ड एक्स एक्सिस। तो अब मैंने जो ग्राफ बनाया है दैट इज एक्चुअली करेक्ट ग्राफ, क्यों, क्योंकि अगर मैंने sin x की का टेंजेंट खींचा y = sin x पे किसी और पॉइंट पे अदर देन ओरिजिन, तो यू कैन सी इट विल बी टिल्टेड। तो इससे मेरा कंक्लूजन क्या निकला, मतलब इससे मेरे को ग्राफ बनाने में क्या हेल्प मिली है कि मैं ये बोल सकता हूं कि y = जो x लाइन है दैट विल बी अबव द कर्व y = sin x फॉर पॉजिटिव x की बात कर रहा हूं मैं। क्या बोला कंक्लूजन, द ग्राफ द कर्व y is equal to sin x is above the line, is above the curve, लिख लो चाहे line लिख लो, above the curve y is equal to x। समझ में आया ऐसा क्यों बोल रहा हूं, because y is equal to x जो line थी that is the line of maximum slope, उसके बाद जो भी lines होंगी वो उसके कम slope की होंगी, तो definitely जो sin x का curve होगा वो y is equal to x line के नीचे आएगा। या तो ऐसे बोल लो, या फिर हम एक और मेथड देखेंगे आगे चल के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, d2y/dx2 से एनालिसिस करते हैं, हालांकि लिख देता हूं मैं, बट अभी हम उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। क्या होता है वो एनालिसिस कि अगर d2y/dx2 सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है
तो जो हमारा कर्व होता है ना वो उसको बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड। और अगर ये नेगेटिव होता है तो उसको बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड। अभी सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं। जब कॉनकेव अपवर्ड होता है ना तो इट इज समथिंग लाइक, मैं इसको रब कर रहा हूं तुम लोग लिखते जाना। मैंने बोला जब कॉनकेव अपवर्ड होगा इसका मतलब दिस इज द सिनेरियो। अगर कॉनकेव अपवर्ड होगा, अगर मैंने इसके कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचा तो क्या होगा, जो कर्व है दैट विल बी टोटली अबव द टेंजेंट, दैट यू कैन सी ऑल्सो। और डाउनवर्ड में उल्टा हो जाएगा। डाउनवर्ड में क्या होगा, लेट्स से दिस इज द डाउनवर्ड कर्व और इस पे मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींच लूं तो जो टेंजेंट होगा वो कर्व के हमेशा ऊपर होगा। तो इस ये जीरो से पाई के लिए द साइन एक्स जो कर्व है दैट इज डाउनवर्ड, दैट इज डाउनवर्ड, दिख रहा है क्लियरली। तो इस पे अगर मैंने टेंजेंट खींचा तो टेंजेंट के नीचे आएगा पूरा कर्व अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। बट मैंने फर्दर बोला इसका डिटेल डिस्कशन हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लेंगे। तो अभी तो मैंने इतना कंक्लूड कर दिया कि जो कर्व है y = x दैट इज अबव द कर्व y = sin x, इससे इंफॉर्मेशन क्या डिटेक्ट करेंगे जो हमें लिमिट्स में यूज होगी। देखना मैं क्या लिख रहा हूं, x इज ग्रेटर देन sin x, कब लिख रहा हूं मैं, फॉर x बिलोंगिंग्स टू 0 ओपन से पाई बाय 2। अच्छा वैसे तो r प्लस है, चलो इसको पूरा लिख लो, फॉर x बिलोंगिंग्स टू r प्लस, दैट यू कैन सी विद द ग्राफ ऑल्सो। मैंने बोला x belongs to r plus के लिए x हमेशा sin x से बड़ा है, क्लियर है, यहां तक क्लियर होगा। अब मैंने बोला चलो नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव के लिए हम हमें पता है कि y = sin x odd function है, तो कैसे बनेगा y = sin x का कर्व, देखो इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दिस। नाउ यू कैन सी नेगेटिव के लिए उल्टा हो रहा है, नेगेटिव के लिए y = x लाइन नीचे आ रही है, कोई भी पॉइंट ले लो, लेट्स से मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूं, तो ये कितना आ रहा है, ये चीज जो है वो छोटी है ना कर्व से, अब उल्टा हो गया। अब क्या हो गया, x इज लेस देन साइन x फॉर x बिलोंगिंग टू r माइनस, तो r प्लस की बात हो गई r माइनस की बात हो गई, तो क्या रह गया, जीरो पॉइंट रह गया। तो x इज इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है, दोनों बराबर है, दैट इज y इज इक्वल टू x और साइन x का इंटरसेक्ट करेंगे x इज इक्वल टू जीरो पे, तो x इज इक्वल टू साइन x फॉर x इज इक्वल टू जीरो, क्लियर है यहां तक। अच्छा अब देखो इससे फर्दर एक और इंफॉर्मेशन, देखो मैंने बोला ठीक है x sin x से बड़ा है फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x और x इज लेस देन sin x फॉर नेगेटिव रियल वैल्यूज ऑफ x, बट मैग्नीट्यूड वाइज इफ आई सी मैग्नीट्यूड वाइज तो क्या होगा, x ही बड़ा होगा, कैसे बड़ा होगा, तो एक तरीका तो इसको समझने का है ग्राफिकली कि ये वैल्यू जो है वो मैग्नीट्यूड वैल्यू वाइज तो छोटी है बट मैग्नीट्यूड वाइज तो बड़ी है ना sin x से, समझ में आ रहा है, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूं। मैंने बोला या तो हम कर्व बना लेते हैं y is equal to mod x और y is equal to mod of sin x एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो देखो कैसे होगा कर्व। मैंने बोला दिस इज अ sin x कर्व और y is equal to mod, दिस इज द कर्व फॉर y is equal to mod of sin x और इसी पे मैं बना रहा हूं y is equal to mod x, तो देखो क्या बनेगा हमारा, दिस इज y is equal to mod x, दिस इज y is equal to mod x और ये जो मेरा कर्व था दिस इज y is equal to mod of sin x। तो इस कर्व से मैं बोल सकता हूं क्या, मैंने एनालिसिस से पॉजिटिव के लिए किया था बट अब मैं इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी यूज करके ग्राफिकली अब मैं बोल सकता हूं क्या, इन दोनों को कंबाइंडली आई कैन से कि mod x जो होगा दैट विल डेफिनेटली बी ऑलवेज ग्रेटर देन mod of sin x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस एक्सेप्ट जीरो, जीरो पे तो खैर दोनों अभी भी जीरो है, बराबर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा अब मैंने बोला एक और चीज जो अब लिमिट में एक्चुअली यूज होगी, देखो अब सुनना ध्यान से सुनना, जो लिमिट में यूज होगी लिमिट वाला पार्ट अब आता है, ये तो हो गया, वो पार्ट समझाने के लिए मुझे किस चीज की हेल्प लेनी पड़ी वो मैंने बताया। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये इक्वेशन में, इस इक्वेशन में मैंने क्या कर दिया, एक्स से डिवाइड कर दिया, कर सकता हूं मैं क्योंकि एक्स पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव नंबर से तो मैं कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं इनइक्वालिटी में, तो इधर से मैं अगर मैंने एक्स से डिवाइड किया तो इधर क्या आ जाएगा मेरा, वन इज ग्रेटर देन साइन एक्स बाय एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग्स टू आर प्लस, और वो तो होना भी था ऑफकोर्स यार, क्योंकि x अगर sin x से बड़ा है तो sin x अपॉन x जो होगा वो फ्रैक्शन होगा दैट विल बी लेस देन 1, तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं निकली, बट बड़ी चीज अभी निकलेगी क्या है, इसके लिए भी ये चीज ट्रू है, कैसे है, तो देखो इसको क्या करो, अब मुझे पता है इस ये तो r माइनस के लिए है तो मैं x से डिवाइड करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, तो क्या हो जाएगा x की जगह बना जाएगा ग्रेटर देन sin x बाय x, देखो ऊपर वाली चीज ही आ गई x belongs to r minus, क्या किया मैंने इसमें डिवाइड किया x से, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई, तो इन दोनों ही केस में, इन दोनों ही केस में sin x by x जो है वो 1 से छोटा आ रहा है,
तो हमें सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं कि x is greater than sin x, x is less than sin x for this reason. अब मैं डायरेक्टली सिंपल एक स्टेटमेंट लिखूंगा कि sin x upon x is less than 1 for x belongings to r minus 0. या फिर इसका उल्टा रेसिप्रोकल ले लिया, x upon sin x is greater than 1 for x belongings to r minus curly bracket 0. आई होप क्लियर हुआ होगा जो मैं बताना चाह रहा हूं. इस चीज का यूज होगा, क्या करेगा वो लिमिट्स के क्वेश्चंस में, इस चीज को ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर देके लिमिट वगैरह पूछेगा. तब हमें पता होना चाहिए कि जो साइन एक्स बाय एक्स है ना, दिस इज ऑलवेज लेस देन वन, दिस इज ऑलवेज लेस देन वन एक्सेप्ट जीरो. जीरो पे तो खैर डिफाइन ही नहीं है वो, क्लियर है. ये फैक्ट अभी हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे. आई होप समझ में आ रहा होगा. चलो अब हम फर्दर अब क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं. एक बार देख लेता हूं मैं, कुछ और पॉइंट तो नहीं है. एक्स ये दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिख लिया और ठीक है. चलो तो अब हमारा एक फाइनली एक बार मैं और लिख देता हूं, ठीक है. क्या बता देता हूं क्या निकला हमारा कंक्लूजन, कि x अपॉन साइन x जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, भले ही कोई भी x हो, पॉजिटिव x हो चाहे नेगेटिव x हो. और साइन x अपॉन x क्या हो जाएगा, दैट इज लेस देन वन, भले x कुछ भी हो एक्सेप्ट जीरो ऑफकोर्स. अब देखो इसमें क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे, देखना ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इसमें मैं चार क्वेश्चन लिख रहा हूं, फोर क्वेश्चन आई एम राइटिंग, ठीक है. देखना क्या लिखा मैंने क्वेश्चन, पहला लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, चलो ऐसे लिख लेते हैं, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x बाय x, ठीक है. और एक लिखा सेकंड, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो साइन x अपॉन x, एक ये लिखा, ठीक है. फिर मैंने लिखा अब इसको रेसिप्रोकल भी लिख लेना तुम, ठीक है ना, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, हमारे होमवर्क क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर लेंगे उसको. फिर मैंने लिखा लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स बाय एक्स. और एक लिखा फोर्थ वन, अंदर लिमिट ले गया, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो साइन एक्स बाय एक्स, ठीक है. ये एग्जाम्पल कराने के लिए ही मैंने वो तुम लोगों को थियरी बताई अभी, जिसकी साइन एक्स बाय एक्स हमेशा लेस देन वन होता है, एक्स अपॉन साइन एक्स ग्रेटर देन वन होता है. बिल्कुल दिमाग में रखना अच्छे से, ठीक है. चलो अब देखो, पहले मैं ये वाले दो क्वेश्चन कर रहा हूं बिकॉज दे आर सिंपल वन. अब इसमें कौन सा फैक्ट यूज करूंगा, जो मैं पहले बता चुका हूं कि लिमिट जो होता है वो एग्जैक्ट होता है. कभी भी हम बोलते हैं ना कि लिमिटिंग वैल्यू 5 है, इसका मतलब ये नहीं बोलते कि 5 के आसपास है, लिमिट इज एग्जैक्ट, उस चीज का यूज करूंगा. तो देखो इसने तो क्या बोला, ये क्वेश्चन क्या है बेसिकली, लिमिट का ये क्वेश्चन है लिमिट का. उसने बोला कि इसकी लिमिट निकालो, एक आंसर आएगा उसका फ्रैक्शनल पार्ट लो. समझ में आ रहा है क्या बोला, इसकी लिमिट निकालो उसका फ्रैक्शनल पार्ट लो, दैट विल बी माय आंसर. तो अब मुझे पता है कि ये x tends to 0 पे sin x / x, दिस इज एग्जैक्ट 1, दिस इज एग्जैक्ट 1, नॉट 1 अप्रोचिंग लिमिट. मैं ये नहीं बोलता लिमिट इज 1 अप्रोचिंग, लिमिट तो एग्जैक्ट होता है. अगर एग्जैक्ट 1 है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, ऑफकोर्स 0. क्लियर हुआ, समझ में आया. मेन दिक्कत इसमें आई है अभी, देखना उस पे आते हैं. अब सेकंड वाले पे आते हैं, अगेन वही चीज, सेम ही कैटेगरी हो गई. मैंने बोला ये जो चीज है क्या बोल रहा है ये, इसकी लिमिट निकालो, जो भी आंसर आए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो. तो अब हमें पता है कि x टेंड्स टू 0 पे sin x / x इज exact एग्जैक्ट 1, और एग्जैक्ट 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ऑफकोर्स 1. क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूं मैं. अब आते हैं मेन क्रिटिकल क्वेश्चंस पे, उसके लिए पहले मैं फर्स्ट वाला डिस्कस कर रहा हूं, फिर सेकंड वाला अपने आप कम से हो जाएगा. एक बार एक्सप्लेनेशन सुनना फर्स्ट का ध्यान से. और अब मैं वो, इसके लिए तो मुझे अभी वाली थ्योरी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी जो मैंने आज पढ़ाया, इसके लिए तो मुझे प्रीवियस वाला पता होना चाहिए था कि लिमिट जो होता है वो एग्जैक्ट होता है. बट इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी आज वाला थ्योरी पार्ट. कौन सा थ्योरी पार्ट, एक बार लिख लेते हैं इधर, कि x अपॉन sin x इज ग्रेटर देन 1, और इसका रेसिप्रोकल लिख लो भले, sin x upon x is less than 1 for all real number except 0, ठीक है. अब ध्यान देखना ये क्या, बेसिकली कंपोजिट फंक्शन. तो पहले कंपोजिट फंक्शन का मैं एक रूल बताया था, क्या बताया था पहले वो लिख लेते हैं. मैंने कहा लिमिट x is approaching towards 0 f of gx, हम क्या करते हैं लिमिट को अंदर लेके जाते हैं, कैसे लेके जाते हैं, लिखा f of लिमिट x is approaching towards 0 g of x, क्लियर है यहां तक. ऐसा कब लेके जाते हैं, क्या बताया था मैंने, कि जो अंदर वाले फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है ना, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है उस पर बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए. ये मैंने उधर बताया था, दोबारा एक बार,
इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है अंदर वाले फंक्शन की, जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू मतलब x टेंड्स टू 0 पे ये किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, उस लिमिटिंग वैल्यू पे बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर कंटिन्यूअस है तो फिर हम बिंदास अंदर लेके जा सकते हैं, ये बताया था मैंने उधर। तो हम देखते हैं क्या इधर लेके जा सकते हैं कि नहीं, तो आंसर मिलेगा नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है अंदर जो लिखा है sin x / x, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है 1, और 1 पे बाहर वाला फंक्शन क्या है डिस्कंटीन्यूअस, तो डायरेक्टली तो लेके नहीं जा सकते, डायरेक्टली लेके नहीं जा सकते। तो फिर हम इसका एनालिसिस कैसे करेंगे, LHL और RHL सेपरेटली एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द LHL फर्स्ट, चलो RHL लिख लेते हैं। RHL तो मैंने बोला लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0 प्लस। अब देखा मजेदार चीज, इधर मैंने लिखा sin x / x। अब सुनना, मैं इसको रब करते जा रहा हूं, तुम लिखते जाना ये सब चीज, ठीक है। मैंने बोला कि x टेंड्स टू 0 प्लस पे sin x / x की लिमिटिंग वैल्यू 1 है, वो करेक्ट है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 है, मतलब दिस अप्रोचेस 1। बट मेरा क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1 को तो अप्रोच कर रहा है, ठीक अच्छी बात है, बट 1 को किस साइड से अप्रोच कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो पता चल जाए तब मैं तुरंत बता दूंगा इसका आंसर, क्योंकि 1 को अप्रोच ये कर रहा है, अगर वो पॉजिटिव साइड से करेगा तो मेरा आंसर अलग आएगा, 1 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड से करेगा तो अलग आएगा। रीजन इज फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ होता है एट x इज़ इक्वल टू 1, अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो मेरा लिमिट क्या आएगा, ये वाली ब्रांच यूज होगी, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी 1। अगर 1 को अप्रोच करेगा राइट साइड से तो मेरा ब्रांच ये वाली यूज होगी, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी 0। इसका मतलब हमें ये तो ठीक है कि ये 1 को अप्रोच कर रहा है, बट इतना और पता चल जाए कि ये 1 को किस साइड से अप्रोच कर रहा है तब हम इसका आंसर बता देंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब हम इंफॉर्मेशन यूज करेंगे जो आज हमने पढ़ा कि sin x / x, भले x कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर, sin x / x जो होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इसका मतलब क्या निकला कि पक्का x 0 प्लस को जा रहा है तो पक्का है कि जो sin x / x 1 को तो अप्रोच कर रहा है, बट डेफिनेटली फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ये साइड नहीं चलेगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यही रीजन है कि हम लिमिट को अंदर नहीं लेके जा पाते हैं, क्योंकि अंदर वाली वैल्यू लिमिट जो अप्रोच कर रही है ना, उसको जो अंदर वाला फंक्शन जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है उस पर बाहर वाला फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस तो होता है, बट वो अंदर वाला फंक्शन जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है वो लेफ्ट से कर रहा है या राइट से कर रहा है वो पता चल जाए बस। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उस टाइम अगर कोई डाउट रह रहा होगा तो आज 100% क्लियर हो जाएगा, 100%। तो फाइनली क्या मिला मुझे कि ये 1 को तो अप्रोच कर रहा है, और मोर एक्यूरेटली क्या बोलूंगा, फ्रॉम लेफ्ट साइड। द रीजन इज sin x / x जो होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। क्लियर है? तो डायरेक्टली आंसर क्या बोलूंगा मैं इसका, 1 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो फ्रैक्शनल पार्ट किसको अप्रोच करेगा, ऑफकोर्स 1 को, सो आंसर इज 1। क्लियर है? अब खुद सोच लो LHL में क्या होगा, LHL में भी तुम यही लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x / x, ठीक है, sin x / x लिखोगे, sin x / x लिखो, अगेन ये 1 को अप्रोच करेगा, करेक्ट बात है, बट हमें और प्रिसाइसली बोलना है, 1 को तो अप्रोच करेगा बट लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड से करेगा तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट किसको अप्रोच करेगा, 1 को, तो दिस आंसर इज 1। क्लियर हुआ बच्चों? तो दिस इज अ रीजन मैंने sin x / x का इतना डिटेल डिस्कशन लिया, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं यही में, ठीक है ना। इवन एक शीट है तुम्हारी शायद DPP नंबर 5 या 6 जो भी है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत हैं, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसको आज की आज लगा लेना। एक बार मैं व्हाट्सएप पे कंफर्म कर दूंगा कौन सी शीट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, उसके बाद आज की आज कर लोगे तो बैठ जाएगा दिमाग में लगता है, फिर हिलेगा नहीं, ठीक है। चलो तो ये हो गया मेरा 3 क्वेश्चन हो गए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर लेते हैं, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक बार आप सीख गए, अब तो हम वी कैन प्ले विद इट, अब कैसा भी दे दो हमें, कैसे भी से, मतलब x / sin x दे दो, चाहे sin x / x दे दो, लिमिट को अंदर दे दो या बाहर दे दो, अंदर दोगे तो सबसे आसान होता है, अंदर तो बिल्कुल ही बच्चों टाइप क्वेश्चन हो जाता है। तो मैंने बोला लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 sin x / x, चलो ट्राई करो एक बार तुम वीडियो पॉज करके, तो क्या लिखेंगे, अगेन x टेंड्स टू 0 पे ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है 1 है, तो और 1 पे बाहर वाला फंक्शन डिस्कंटीन्यूअस होता है तो डायरेक्टली तो लेके नहीं जा सकते, तो क्या करें, LHL की बात करते, चलो RHL की बात कर लेते हैं पहले। मैंने बोला लिमिट
x इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो प्लस। अब चाहे जीरो प्लस हो चाहे जीरो माइनस हो, चलो पहले जीरो प्लस की बात कर लेते हैं, जीरो प्लस है तब भी मेरा इसकी लिमिट, ये वन को तो अप्रोच कर रहा है, अप्रोच इज वन, दिस अप्रोच इज वन, अप्रोच इज वन। तो अब देखो क्यों दिक्कत क्यों होती थी, अप्रोच इज वन मतलब क्या होता है दिक्कत, अब देखो मैं क्यों नहीं लेके जा पाती थी, इससे और ज्यादा समझ में आएगा। देखो अब मैंने क्या किया, वन के अराउंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का फंक्शन ग्राफ प्लॉट किया। तो देखो क्या होता है, यहां से लेके यहां तक ओपन, फिर ये यहां से लेके यहां तक ये ब्रांच होती है हमारी, ऐसा ऐसा जाता है। अब देखो दिस इज वन, अब मैंने बोला कि ये वन को अप्रोच कर रहा है, तो देयर आर टू सिनेरियोस। अगर ये वन को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा, वन को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो वैल्यू कहां जाएगी, जीरो को। अगर वन को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो ये वाली ब्रांच यूज होगी, तो आउटपुट क्या आएगा, वन। तो डिपेंड कर गया ना कि लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है या राइट से अप्रोच कर रहा है इसको वन, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। बट हमें अब इंफॉर्मेशन पता है आज की थ्योरी के हिसाब से कि ये पक्का वन से छोटा होता है, तो डेफिनेटली क्या हो रहा होगा, ये वन को तो अप्रोच कर रहा होगा बट डेफिनेटली फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज नॉट वैलिड इन दिस पर्टिकुलर केस। भले इधर कोई और फंक्शन होता उसकी लिमिटिंग वैल्यू वन होती, तब हमें प्रॉपर देखना पड़ता कि वो वन को किधर से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट से या राइट से। अगर लेफ्ट से कर रहा हो और राइट से कर रहा हो, मतलब डिपेंड कर रहा हो, तो फिर अलग अलग आंसर आएगा। बट इसमें पता है हमें कि ये वन को अप्रोच कर रहा है और 100% लेफ्ट हैंड साइड से, बिकॉज हमने पढ़ चुका है कि साइन एक्स वाई एक्स इज लेस देन वन, तो दिस इज द सिनेरियो। अब ये सिनेरियो है वन को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ऑफकोर्स जीरो, सो दिस विल बी जीरो। क्लियर है। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट फॉर LHL, LHL के लिए भी यही चीज हो जाएगी, क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, तो अगेन जीरो माइनस हो चाहे जीरो प्लस हो, ये तो वन को ही अप्रोच करेगा और डेफिनेटली फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का सवाल ही नहीं होता, बिकॉज दिस कैन नॉट बी ग्रेटर देन वन। तो क्या होगा, अगेन यही वाली ब्रांच यूज होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा इसका, जीरो। क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है। चलो अब हम मूव करते हैं, जो एनालिसिस अभी मैंने साइन एक्स का बताया तुम लोगों को, अब सेम एनालिसिस होता है टेन एक्स का, तो उसका और देख लेते हैं हम, ठीक है। सेम एनालिसिस टेन एक्स का, तो वही चीज रिपीट होगी एक तरीके से, तुम्हारा रिविजन ही होगा। y is equal to tan x की बात कर लेते हैं, तो अगेन जैसे मैंने y is equal to sin x पे स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा था, तो उसके लिए मुझे स्लोप की जरूरत थी, तो मैंने डिफरेंशिएट किया था, इधर भी करूंगा तो क्या आएगा, dy by dx is equal to sec square x, और at x is equal to 0, 0 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अच्छा अब मुझे पता है कि जो sec square x है उसकी रेंज क्या होती है, 1 से इंफिनिटी, क्यों, क्योंकि sec x की क्या होती है, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1, यूनियन 1 से इंफिनिटी, तो उसका स्क्वायर है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसका मतलब इसकी रेंज 1 टू इंफिनिटी। तो ये जो 1 लिया मैंने, ये मैंने मैक्सिमम ले लिया, सॉरी मिनिमम ले लिया, उधर तो मैंने क्या लिया था, cos x की मैक्सिमम वैल्यू ली थी 1, इधर ये ली थी मतलब x = 0 पे आ गई, तो इधर जो आई है दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्लोप, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्लोप, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्लोप। तो इससे क्या कंक्लूड निकलेगा, अगेन इक्वेशन तो वही लिखोगे, y माइनस जीरो इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस 0, तो टेंजेंट x इज इक्वल टू 0 इज y इज इक्वल टू x लाइन। बट अब क्या होगा कि जो स्लोप है दिस इज द मिनिमम वाला स्लोप, इसके बाद स्लोप बढ़ेगा, मतलब टेंजेंट का जो जो टेंजेंट है दैट विल मूव टुवर्ड्स y एक्सिस। तो इससे क्या कंक्लूड निकलेगा कि जो tan x का ग्राफ है वो हमेशा y इज इक्वल टू x के ऊपर आएगा एक्सेप्ट 0। तो मैंने बोला दिस इज द सिनेरियो, लेट्स से दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू x, दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू x, तो अब मेरा सिनेरियो होगा ऐसा कुछ, ये पाई बाई टू पे एसिम्प्टोट का काम करेगी, दिस इज द एसिम्प्टोट। क्लियर है। सिमिलरली समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, पहले से कंक्लूड कर लेते फिर RHS की बात, लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। क्लियर है यहां तक, क्यों ऐसा लिखा मैंने, बिकॉज ये जो स्लोप आया दिस इज द मिनिमम स्लोप वाली लाइन, उसके बाद जो स्लोप होगा वो वर्टिकल होता जाएगा। तो इसका मतलब इससे कंक्लूजन ये निकला कि tan x इज ऑलवेज अबव y = x लाइन। अच्छा अगेन अभी मैं एनालिसिस केवल और केवल 0 से पाई बाय 2 के लिए कर रहा हूं, जो भी मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि tan x इज जो tan x का ग्राफ है वो y = x लाइन के ऊपर है, दैट इज ओनली फॉर 0 टू पाई बाय 2 आई एम टॉकिंग अबाउट एज ऑफ नाउ, ठीक है ना। नहीं तो तुम बोलोगे, बहुत से लोग अभी तक आ भी गया कि सर फिर इधर तो ऐसा सिनेरियो है और इधर तो tan x का ग्राफ नीचे आ गया, y = x के ऊपर चला गया। तो अगेन मैंने क्या बोला, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट 0 टू पाई बाय 2, बिकॉज जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो 0 के अराउंड पूछता है लिमिट, तो हमें 0 के पास एनालिसिस करना है दोनों का, साइन और कॉस का, साइन और टेन का विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y = x।
क्लियर है। चलो तो अब देखो, अब मैं इसको अगेन डब कर देता हूं। अब मैंने बोला नेगेटिव के लिए क्या करें, तो कुछ नहीं, चलो उससे पहले मैं पहले वो लिख लेता हूं जो हमारा, नहीं तो एक काम करते बना ही लेते हैं tan x के अगेन और फंक्शन, तो मेरा ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, दिस इज एसिम्प्टोट, दिस इज माइनस पाई बाई टू, क्लियर है। तो अब देखना, मैं वही चीज लिख रहा हूं। अब मैं देखो क्या होगा, x इज नाउ लेस देन tan x, कब, फॉर x बिलोंगिंग्स टू r, r प्लस ही मत लिखो, लिखो तुम 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू के लिए, ठीक है। देख रहे tan x का ग्राफ ऊपर x से, ये उल्टा हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन tan x फॉर x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से 0, देख रहा है कि जो tan x का ग्राफ है वो नीचे है, y इज इक्वल टू x लाइन के, तो tan x इज लेस देन x। बट अगेन इफ आई टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो पक्का tan x ही ऊपर होगा। तो एक इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ x इज लेस देन मॉड ऑफ tan x फॉर x बिलोंगिंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू माइनस कर्ली ब्रैकेट 0, और x इज इक्वल टू tan x होगा कब, एट x इज इक्वल टू 0, ये कंक्लूजन हमने इससे निकला लिखा, ठीक है। अब लेकिन लिमिट्स में कौन सा पार्ट यूज होगा, वही x अपॉन tan x वाला, तो अगेन उसके लिए मैं क्या करूं, इसको डिवाइड कर देता हूं, किससे, x से डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा 1 इज, और क्यों कर सकता हूं x से, बिकॉज इस इंटरवल के लिए x इज पॉजिटिव, पॉजिटिव से तो हम कभी भी डिवाइड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी का साइन विल रिमेन द सेम, तो इधर से आया tan x by x is greater than a1, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज आ गई। अब मैं इसलिए इसको लिखवा रहा हूं, द रीजन इज इस वाले केस में भी यही आएगा, करके देख लो, इसमें जब तुम x से डिवाइड करोगे, सिंस फॉर दिस इंटरवल x इज नेगेटिव, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 इज लेस देन tan x अपॉन x, तो यही आ गया। सो अल्टीमेटली इन दोनों को ज्वाइंट करके मैं ये लिख सकता हूं कि दिस इज फॉर x बिलोंगिंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्सेप्ट 0, आई होप समझ में आ रहा होगा, उधर उल्टा था, sin x by x less than 1 था, इधर greater than 1 है, और या फिर उसका उल्टा लिख लो, x upon tan x, x upon tan x is less than 1, both way, अब वो fractional part of greatest integer के अंदर, या तो ये लिखेगा या ये लिखेगा, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो उसकी limiting value है, ठीक है, वो 1 को जा रही है, but वो 1 को राइट हैंड से जा रही है या लेफ्ट हैंड साइड से जा रही है, वो डिपेंड करता है, अंदर tan x by x लिखा है, x by tan x लिखा है, अगर x by tan x लिखा है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 को तो जाएगी बट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, अगर tan x upon x लिखा है उस फ्रैक्शनल पार्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो भी 1 को तो जाएगी लिमिटिंग वैल्यू बट इस बार 1 प्लस से जाएगी, मतलब पॉजिटिव साइड से, आई होप क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। चलो अब एक एक, एक छोटा सा डिस्कशन इसके ऊपर और कर लेते हैं थोड़ा सा, देखना, अच्छा उधर मेरा एक छोटा सा डिस्कशन रह गया, तो एक काम करता हूं मैं इसको पॉज करके, तुम लोग इसको लिख लो, एक छोटा सा डिस्कशन उधर और करना रह गया मेरा, अभी याद आया मुझे, तो मैं वो और कर लेता हूं, उसके बाद फिर हम इस पे कंटिन्यू करते हैं। मैंने बोला उधर हमने क्या लिखा था, देखो एक बार दोबारा उधर ही ऐड कर, इधर ही ऐड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी ऐड करो, बस लिख जरूर लेना। मैंने बोला कि हमने ऐसा लिखा था उधर कि x इज ग्रेटर देन, सॉरी चलो ऐसे लिख लिया था, x इज ग्रेटर देन साइन x फॉर x x belonging to, again वैसे तो मैंने r plus लिखा था, but अभी मैं 0 से pi by 2 लिख रहा हूं, because मेरे को analysis 0 से pi by 2 के लिए करना है, तो for x belonging to 0 से pi by 2, फिर लिखा था x is less than sin x for x belongings to minus pi by 2 से 0, again I can put here r also, but here I cannot put r, इधर मैं r भी लिख सकता हूं चलेगा, but इधर नहीं चलेगा, ये मैंने बताया graphically। हाँ, एक और equation हमारी क्या आई थी, x is equal to sin x for x is equal to 0, ये आई थी, इससे थोड़ा सा एक छोटा सा इसका डिस्कशन हो रहेगा मेरा, वो और कर लेते हैं। तो देखो मैंने बोला इसको हम कैसे रीड करेंगे, मैंने बोला कि sin x x के बराबर है केवल और केवल x is equal to 0 पे, तो इसको मैं जनरलाइज कैसे लिखूंगा, देखना क्या लिख रहा हूं मैं, sin will be equal, will be equal to its argument, will be equal to its argument if and only if argument is 0, if and only if argument is 0, समझ में आया क्या बोला, इधर x जो लिखा है वो बेसिकली sin का जो argument है वही लिखा है ना, तो ये क्या बोला, sin of something will be equal to something only if something is 0,
ठीक है। जैसे इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले ये लिख लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। फिर इसको इस पे दोबारा आएंगे, इसलिए मैं इसको रब नहीं कर रहा हूं, पहले इसको रब कर रहा हूं। तो पहले तुम लोग इसको कॉपी करो। अभी जो मैंने स्टेटमेंट लिखा उसके हिसाब से क्या बोला उसने कि साइन जो है वो उसके आर्ग्यूमेंट के बराबर कब होता है, व्हेन आर्ग्यूमेंट इज जीरो। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सॉल्व साइन ऑफ एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। तो देखो अगर डायरेक्टली तुम सोचोगे सॉल्व करना तो दिक्कत होगी। द रीजन इज एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो एक स्टैंडर्ड मेथड तो इसका कोई होता नहीं है, कोई फॉर्मूला भी नहीं होता। तो अब मैं अगर मेरे को ये वाला पॉइंट याद होगा कि साइन ऑफ समथिंग कैन बी साइन ऑफ समथिंग इज इक्वल टू इट्स आर्ग्यूमेंट ओनली इफ आर्ग्यूमेंट इज जीरो, तो मेरा चुटकी एक लाइन में आ जाएगा आंसर। तो ये कब ट्रू, अब ये दिख रहा है ये आर्ग्यूमेंट इधर लिखा है, तो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो इधर से मेरा क्या है x इज इक्वल टू फाइव, तो दिस इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इक्वेशन इज ट्रू। क्लियर हुआ? जैसे और एग्जांपल लिख रहा, मैंने लिखा एग्जांपल साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस फाइव इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस फाइव, बताओ इसका क्या होगा। तो आंसर मिलेगा तुम्हें अगेन क्या लिखेंगे हम, साइन ऑफ समथिंग इज इक्वल टू इट्स आर्ग्यूमेंट कब, व्हेन आर्ग्यूमेंट इज जीरो। तो इधर से आएगा x स्क्वायर प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो, बट ये तो होता नहीं है क्योंकि x तो ऑफ कोर्स रियल वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज ट्रू। और वैसे भी दिख रहा है अगर तुम डायरेक्टली भी सोचोगे विदाउट दिस नॉलेज आल्सो, x स्क्वायर प्लस 5 का जो ग्राफ होगा वो 5 से ऊपर ही ऊपर आएगा, पैराबोला ऊपर की तरफ 5 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, बट ये वैल्यू तो माइनस 1 और 1 के बीच में है, तो दोनों का ग्राफ इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। ऐसे भी बोल सकते थे हालांकि, बट मेरे को अभी एम्फसाइज करना था उस पॉइंट पे, साइन ऑफ आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू इट्स आर्ग्यूमेंट इफ एंड ओनली इफ आर्ग्यूमेंट इज जीरो। जैसे एक आधा और एग्जांपल लिख लिया, जैसे मैंने लिखा साइन ऑफ पाई एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स, सॉल्व करो इसको। तो देखो एक तरीका तो क्या है, एक तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, अपना क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस तरफ लेके आओ, या फिर इसका जनरल सॉल्यूशन लिख दो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की वन की पावर एन इंटू अल्फा। या फिर मैं इस नॉलेज के हिसाब से कैसे बोल सकता हूं, साइन ऑफ दिस इज इक्वल टू इट्स आर्ग्यूमेंट, यही आर्ग्यूमेंट लिखा है था, कब होता है व्हेन आर्ग्यूमेंट इज जीरो, तो क्या आ जाएगा साइन ऑफ पाई एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन थीटा का जनरल सॉल्यूशन, साइन थीटा जीरो कब होता है व्हेन थीटा इज एन पाई, तो इधर से क्या मिला पाई एक्स इज इक्वल टू एन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू एन, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब कोई भी इसके इनफाइनाइट आंसर आ रहा है, एक्स एक्स की वैल्यू कोई भी इंटीजर लो, दिस विल दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये पॉइंट उधर ऐड कर लेना, ठीक है ना, हमने लेस देन ग्रेटर देन के लिए डिस्कशन कर लिया था, बट ये एक सेपरेट पार्ट था। अब देखो, अब मैंने बोला ये तो हो गया साइन एक्स के ऊपर कंप्लीट, अब इसी को टेन एक्स के ऊपर लिखते हैं। तो देखो टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स आया एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, अब मैंने बोला इसके कितने सोल्यूशन है, अब उसको देखा देखे ये नहीं बोलना है कि इसका भी एक सोल्यूशन होगा, नहीं, मैंने बोला एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स के कितने सोल्यूशन है, तो आंसर मिलेगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्यों, हमने तो अभी जो एनालिसिस किया ना, दैट इज ओनली फॉर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। व्हेन यू विल ड्रॉ द ग्राफ ना, इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो यू विल सी कि लेट्स से ये मेरा वाई इज इक्वल टू टेन एक्स है एंड सो ऑन, इट विल कीप ऑन रिपीटिंग लाइक दिस वे, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू एक्स जो लाइन है वो इनफाइनाइट जगह कट करेगी, ये कट करी, ये कट करी एंड सो ऑन। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स का सोल्यूशन इज ओनली एक्स इज इक्वल टू जीरो इन द इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, बट अगर मैंने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। अब तुम्हारा टारगेट क्या होगा, तुम्हारा टारगेट होगा जो मैंने साइन वाले क्वेश्चन लिए थे, जो साइन वाले क्वेश्चन लिए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रखा था, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर रखा था, एक बार लिमिट को अंदर लिखा था, एक बार बाहर लिखा था, चार पेयर बने थे हमारे, वो चारों में तुम क्या करोगे, बस साइन एक्स को टेन एक्स से रिप्लेस करोगे एंड सॉल्व करना है, ठीक है। जो अंदर वाले लिखे हैं उसको तो खैर नहीं भी करोगे तो चलेगा, जो बाहर वाले लिखे उसको करना जरूरी है, ठीक है ना, कर लोगे ना। मैंने क्या बोला, ये वाला पार्ट जैसे लिमिट, ये दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसे मान लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टेन एक्स बाय एक्स, एक तो ये तुम्हें सॉल्व करना है, और एक करना है लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टेन एक्स बाय एक्स। क्लियर, ठीक है। अगेन इसके अंदर वाले की लिमिटिंग वैल्यू 1 है तो हम डायरेक्टली तो अंदर लेके नहीं जा सकते, सिमिलरली इसके अंदर वाले की लिमिटिंग वैल्यू 1 है तो अंदर डायरेक्टली नहीं लेके जा सकते, बिकॉज बाहर वाला फंक्शन इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अगेन यू हैव टू यूज द फैक्ट, कौन सा फैक्ट यूज करोगे उसको, चलो कर ही लेते हैं, एक काम करते हैं, छोड़ो तुम अभी कर ही लेते हैं, मैंने बोला चलो मैं इसको इसको बता रहा हूं पहले,
चलो इसके ऊपर वाले को करते हैं पहले। मैंने बोला एक्स अगर जीरो को जा रहा है तो दिस इज अप्रोचिंग वन, दिस इज अप्रोचिंग वन, बट मुझे और प्रिसाइसली बोलना है कि वन को अप्रोच कर रहा है तो लेफ्ट से कर रहा है या राइट से कर रहा है, उससे आंसर मेरा चेंज हो जाएगा बिकॉज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है दैट इज डिस्क्रीट, मतलब सॉरी दैट इज डिस्कंटीन्यूअस, ऐसा होता है ना। एक्स इज इक्वल टू वन पे मैं ग्राफ बनाऊ इसका तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अब मेरे को पता करना है कि ये जो वन को अप्रोच कर रहा है दिस इज वन, वो इस साइड से कर रहा है या इस साइड से कर रहा है। अगर इस साइड से करेगा तो ये वाली ब्रांच यूज होगी मेरी, तो लिमिटिंग वैल्यू वन आ जाएगी। अगर वन को इस साइड से अप्रोच करेगा तो मेरी यही वाली ब्रांच होगी, आउटपुट विल बी जीरो। अब मैं कौन सा फैक्ट यूज करूंगा कि टेन एक्स बाय जो एक्स होता है, टेन एक्स बाय एक्स और जीरो के आसपास की बात चल रही है, वन की बात चल रही है, सॉरी इसके लिए तो जीरो की बात चल रही है। तो हमें पता है कि टेन एक्स बाय एक्स जो होता है जीरो पे तो डिफाइन नहीं होता, बट जीरो के आसपास कहीं भी क्या लिखते हैं हम, इट इज ग्रेटर देन वन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अप्रोचिंग तो वन कर रहा है फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड, इसका मतलब दिस वॉज द सिनेरियो, ये सिनेरियो नहीं है। अब राइट साइड से वन को अप्रोच कर रहा है तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया, वन। क्लियर हुआ, उधर हमारा जीरो आया था साइन एक्स बाय एक्स, क्योंकि उधर भी वन को अप्रोच कर रहा था बट लेफ्ट साइड से कर रहा था, बिकॉज दैट रेशियो साइन एक्स बाय एक्स इज लेस देन वन। क्लियर है, तो उस टाइम हमारा ये वाली ब्रांच यूज हुई थी, अभी हमारी ये ऊपर वाली ब्रांच यूज हुई। अब एकदम आई थिंक पिक्चर एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर रहे हैं। देखना ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इवन ऑड के बारे में डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद फिर हमारा पूरा थियरी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, लिमिट चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। थियरी क्या, फिर तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो मुझे अच्छे लगे फ्रॉम वेरियस बुक्स तो वो मैं कराऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट इज, देखना आप क्या लिख रहा हूं मैंने पूछा इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन, इवन फंक्शन, और एक और इंफॉर्मेशन दे रखी, एंड इफ लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स लेट्स से ए प्लस इज इक्वल टू लेट्स से के। अब बताओ इतना यूज करके देन, मतलब इतनी इंफॉर्मेशन से जो मैंने लिखी, इस इंफॉर्मेशन से व्हाट कैन आई डिडक्ट, व्हाट कैन आई डिडक्ट, ठीक है ना। मैंने बोला इस इंफॉर्मेशन से मैं क्या डिडक्ट कर सकता हूं, तो देखो इसको हम ग्राफिकली देखते हैं क्या डिडक्ट कर सकता हूं। तो फंक्शन इवन है, तो लेट्स से मैंने लिखा ये ऐसा है, और लेट्स से चलो मैंने ऐसा ही मान लिया, ठीक है। अब ये लेट्स से एक्स इज इक्वल टू ए है, तो अगर इवन है तो इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। बोर्ड हो गया थोड़ा, देखो इधर, ठीक है, इवन है तो ये होगा। तो अब इससे मैं बोल सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये जो वैल्यू दे रखी है ये के दे रखी है इसने, एक तो पहली बात ए प्लस ए को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड से, तो ब्रांच ये वाली ब्रांच यूज होगी कर्व की, एंड ये किसको अप्रोच कर रही है के को, तो ये तो करेक्ट है। अब मैंने बोला इससे मैं क्या इंफॉर्मेशन डिटेक्ट कर सकता हूं यूजिंग द फैक्ट फंक्शन इज इवन, तो दिख रहा है क्लियरली कि ये वाली ब्रांच भी मेरी के को अप्रोच कर रही है, और इसको मैं लिमिट के टर्म्स में क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स माइनस ए, ये तो माइनस ए हो गया, बट किस साइड से, इधर तो मेरा राइट हैंड साइड से था, इधर इस साइड से, इस साइड से मतलब लेफ्ट साइड से माइनस आएगा, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू के, दिस इज वन इंपॉर्टेंट डिडक्शन फ्रॉम दिस। समझ में आया बच्चों, क्लियर है, फंक्शन इवन है। अगर मान लो मैंने इधर ऑड कर दिया, ऊपर ही लिख लो, मतलब इसी को तुम एक काम करो सेपरेट तरीके से लिखो, मैं इधर चेंज कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इधर ऑड लिख रहा हूं, यू हैव टू राइट इट सेपरेटली, यू हैव टू राइट इट सेपरेटली, और ये इंफॉर्मेशन दे रखा है। अब मैं क्या करूंगा, तो अगेन अब फंक्शन क्या है मेरा, इवन है तो सॉरी ऑड है, तो अब द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ हम कैसे बनाते हैं ऑड फंक्शन को, पहले किसी भी एक एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेते हैं, फिर जो रिफ्लेक्टेड ग्राफ आता है उसका दोबारा पर मतलब एक बार और रिफ्लेक्शन ले लेते हैं अबाउट अदर एक्सिस। तो लेट्स से मैंने, ये तो मेरा इवन वाला केस हो गया, तो ये तो खत्म हो गया मेरा केस। अब मैंने बोला ये ग्राफ है फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, व्हाट इज द ग्राफ फॉर नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो क्या करें, पहले इसका रिफ्लेक्शन लेंगे हम किसके अबाउट, अपना लेट्स से किसी भी एक एक्सिस के अबाउट ले लिया, तो पहले मैंने ले लिया एक्स एक्सिस के अबाउट, तो देखो ग्राफ कैसा दिखेगा,
एक्स एक्सिस के अबाउट ये ऐसा जाएगा, दिस विल बी लाइक दिस, और ये हो जाएगा हमारा, देखो करेक्ट बनाया। अब क्या करें, दोबारा इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे अदर एक्सिस के अबाउट। तो एक बार एक्स एक्सिस के लिए ले चुके, वाई एक्सिस पे लेते हैं। सो दिस विल बी, इधर ये लाइन आएगी और ये वाला पॉइंट इधर आएगा इसके नीचे, ये हो जाएगा ऐसे और ये मेरा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं, इंटरमीडिएट ग्राफ्स, दिस इज एक्चुअली द ग्राफ्स ऑफ ऑड फंक्शन। अब मैं क्या बोलूंगा, अब देखो जो मैंने बताया था ये वाला जो हाइट बनाया था, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, अगर ये के है तो ये माइनस के होगा ऑफकोर्स, और अगर ये मेरा ए है तो ये मेरा क्या होगा, ग्राफिकली माइनस ए होगा अगर फंक्शन ऑड है। तो ऑड के लिए मेरा ये ग्राफ आ गया। तो अगेन अब मैं क्या कंक्लूजन निकालू इससे क्या कंक्लूजन निकालू मैं, कि लिमिट x is tending towards, तो देखो ये वाली ब्रांच एक k को अप्रोच कर रही है, तो इधर ये वाली ब्रांच k को अप्रोच कर रही है, k को सॉरी माइनस k को, तो क्या लिखूंगा, लिमिट x is approaching towards माइनस a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ऊपर माइनस लगाया, दिस इज इक्वल टू माइनस k, k कब हुआ, व्हेन फंक्शन इज ऑड। तो एक छोटा सा पॉइंट था तो मैंने कहा ऐड करते हैं इसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब एक और लिख लेते हैं इवन ऑड के ऊपर, ये तो क्या इवन ऑड, तो एक्चुअली क्या होता है, स्पेशल केस होता है ना, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर जैसे मतलब इवन के लिए मैंने क्या बोला, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल सॉरी x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस, बट मैंने एक जनरलाइज के लिए लिखना है, दैट इज x इज इक्वल टू a के लिए। तो एक बार ये चीज भी देख लेते हैं, उसके लिए मैंने तुम्हें एक फंक्शनल रूल बताया था। देखो एक मैंने बताया था तुमको लास्ट में फंक्शंस में जब पढ़ाया था, तो देखो एक फंक्शन रूल लिखवाया था, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2a minus x, या फिर फर्दर दिस इज इक्विवेलेंट टू f ऑफ a minus x इज इक्वल टू f ऑफ a plus x, याद आया। अगर ऐसा है कोई फंक्शन इस फंक्शन रूल को सेटिस्फाई करता है, दैट मींस दिस इंप्लाइज ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट x इज इक्वल टू a लाइन, याद है। अगर इधर बाहर माइनस आ जाता है तो हम बोलते हैं ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट द कोऑर्डिनेट a कॉमा 0, ठीक ना, एक बार रिवाइज हो गया हमारा पॉइंट वाला, ठीक ना, जनरली बच्चे भूल जाते हैं ये पॉइंट, ठीक है। अब मैंने बोला इसका लिमिट में कैसे यूज कर रहा हूं देखना, जैसे अभी मैंने इवन वाला लिया था, वो तो एक स्पेशल केस हो गया ना, मैंने a 0, अब देखो अब मैंने लिखा लेट्स से दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू a, दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू a, और लेट्स से मैं ग्राफ है मेरा ये, अगेन ये ले लिया मैंने ग्राफ, दिस इज अ पॉइंट b, और ये वैल्यू ले ली मैंने लेट्स से 5 ले ली, मान लिया 5 है। तो अगेन अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं क्या डिडक्ट कर सकता हूं, देखना ध्यान से। अब मुझे पता है कि ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट x इज इक्वल टू a, तो अभी तो उसने ऐसे दे रखा है, चलो इसको ऐसे लिख दिया, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स b फ्रॉम पॉजिटिव साइड इज इक्वल टू 5 अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, ये है। अब मेरा दे दिया कि वो फंक्शन जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू a, तो कर्व क्या होगा मेरा x इज इक्वल टू a के अबाउट, ये होगी इस लाइन और फिर मेरा ये पॉइंट होगा और ये होगा ऐसा, दिस विल बी द कर्व। अब मेरे को लिखना है ये वाला पॉइंट एक्चुअली, तो लेट्स से मैंने c मान लिया इसको, तो अगर ये कर्व जो है वो x इज इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक है, तो a इज मिड पॉइंट ऑफ b एंड c, तो मैं लिख सकता हूं b plus c divide by 2 is equal to a, तो यहां से मेरा c कितना आ गया, c is equal to 2a minus b, ऐसे लिख लो, नहीं तो तुम उससे भी लिख सकते हो क्या बोलते हैं अपना सेक्शन फॉर्मूले से, c divides ab externally in the ratio 1:2, then also you'll get the same thing, clear है। चलो तो c is equal to 2a minus b आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अब हम इससे क्या लिख सकते हैं, c को अप्रोच कर रहा है तो ये वाली ब्रांच यूज हो रही है 5 को, तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो लिमिट x is approaching towards c, और c की जगह क्या लिखा 2a minus b from left hand side, तो मतलब minus, this will also be equals to 5, तो ये हमारा generalize हो गया, ठीक है ना, even का special case हो गया है, odd के लिए क्या हो जाएगा, बस वो minus 5 हो जाएगा इधर, clear है, क्योंकि ये वाला graph का reflection इधर आया, sorry a comma 0 के बाद इसके नीचे, ये वाला graph इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वो तुम अपने से कर लेना, उधर क्या लगाना, बस इधर माइनस लगा देना odd के लिए, odd sorry odd के लिए नहीं, the graph is symmetrical about the point a comma 0 के लिए, क्या लिखा मैं लिख देता हूं। हालांकि सेकंड क्वेश्चन तुम्हें क्या करना है, x x is equal to minus times f of 2a minus x है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट पॉइंट a comma 0, ठीक है, क्लियर है बच्चों।
चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं इवन ऑड के बारे में, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। अब मैंने देखना क्या लिख रहा हूं मैंने लिखा हाँ लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स, एक मिनट रुको, जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से फाइव, और लिखा है फंक्शन इज ऑड, एफ एक्स इज सॉरी इवन इज इवन, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो इज इक्वल टू फाइव, करेक्ट है या नहीं सोचो। उसने बोला फंक्शन इवन, एक तो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है और बोल रखा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स इज फाइव, तो वी हैव टू कमेंट ऑन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फाइव होगी या नहीं, तो आंसर मिलेगा यस होगी। ग्राफिकली देखो इसको, तो देखो एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, तो मतलब इस टाइप का कोई तो सिनेरियो हो रहा है, दिस इज फाइव, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं जीरो को, तो ये वाली ब्रांच यूज हो रही है और ये कहां जा रही है फाइव को। अब मुझे कौन सा फैक्टर यूज करना है, फंक्शन इवन है तो इवन है, तो क्या होगा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो सिमेट्रिक होगा तो ग्राफ ऐसा होगा, तो जीरो माइनस पे ये वाली ब्रांच यूज होगी तो ऑफकोर्स कहां जाएगी फाइव को, तो एल एच एल और आर एच एल दोनों फाइव है, तो मैं कंबाइनली करके क्या लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो इज इक्वल टू फाइव, हेंस दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, एक तरीके से ट्रू और फॉल्स बताना था, ये ट्रू है या फॉल्स, तो दिस इज ट्रू। अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, अब मैं तुम लोग ऐसे अलग इन सेपरेट लिखोगे, फंक्शन इधर ऑड लिखो तो बताओ क्या होगा। अच्छा चलो इसको भी मैं ऐसे लिख लेता हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव, चलो ऐसे लिख ले रहे हैं, दो माइनस फाइव लिख लो, चलो माइनस फाइव लिख लिया, अच्छा माइनस फाइव तो नहीं फाइव ही लिख लो, एक काम करो। ठीक है अब सोचो क्या होगा, अब मैं इसके कंक्लूजन पे आता हूं, मैं कहा फंक्शन ऑड है तो ऐसा होगा, तो ऑड है तो ये फाइव है तो ये डेफिनेटली माइनस फाइव होगा। अब देखना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इतना इंफॉर्मेशन दिया है तो इससे मैं क्या इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स दिस विल बी इक्वल टू माइनस फाइव, ये करेक्ट है। तो अब बताओ ये एल एच एल माइनस फाइव आ रहा है, आर एच एल फाइव आ रहा है, तो लिमिट आएगा क्या जीरो पे, फाइव के बराबर होगा नहीं, हेंस दिस इज फॉल्स फॉल्स। ठीक है अच्छा अभी एक और इंफॉर्मेशन इससे डिडक्ट कर रहे हैं, देखो उसके लिए पहले मैं एक पॉइंट पे जंप करता हूं, जब मैंने तुमको इवन ऑड लिया था तो मैंने उधर एक चीज बताई थी कि अगर फंक्शन ऑड है और अगर जीरो पे डिफाइन है तो उसकी वैल्यू जीरो ही होगी। क्या बोला मैंने, ऐसे लिखवाया था इफ फंक्शन इज ऑड एंड इफ डिफाइंड, जरूरी नहीं डिफाइन हो बट मैंने कंडीशन लगा दी कि हाँ डिफाइन है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे तो पक्का उसकी वैल्यू जीरो होगी। कैसे समझाया था इसको, इवन ऑड वाली डेफिनेशन से, अगर फंक्शन ऑड है तो क्या होता है एफ ऑफ एक्स इज माइनस टाइम्स एफ ऑफ माइनस एक्स, फिर मैंने बोला एक्स इज इक्वल टू जीरो पे डिफाइन है तो इधर एक्स इज इक्वल टू जीरो रखा तो क्या है एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस जीरो विच इज नथिंग बट टू एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से क्या आया एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो इसी से मैंने कंक्लूजन लिखवाया था क्या कि अगर ऑड फंक्शन है और अगर जीरो पे डिफाइन है तो पक्का उसकी वैल्यू जीरो होनी पड़ेगी। सिमिलरली मैं इधर बोल रहा हूं एकदम विजिबल, क्या बोल रहा हूं कि अगर फंक्शन की फंक्शन ऑड है और अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है देन द लिमिटिंग वैल्यू हैज टू बी जीरो, क्योंकि अगर मान लो लिमिटिंग वैल्यू जीरो मान लो तुमने नहीं ली तो दिक्कत क्या होगी, जैसे r प्लस पे मान लो इसको अप्रोच कर रहा है तो अगर ऑड है तो मेरा ऐसा होगा तो इसको अप्रोच करेगा माइनस टू को, लेट्स से ये टू है तो एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं आएगा, तो कब आएगा एल एच एल आर एच एल के बराबर, जैसे मैंने बोला आर एच एल अल्फा आ रहा है तो एल एच एल भी अल्फा आना चाहिए, बट अगर ऑड है तो मैं क्या बोलूंगा एक अल्फा आ रहा है एक माइनस अल्फा आ रहा है, दोनों बराबर कब होंगे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा मतलब अल्फा शुड बी जीरो, क्लियर है। तो इधर भी स्टेटमेंट वो लिख लो कि इफ फंक्शन इज ऑड, लिखो इधर इफ फंक्शन इज ऑड एंड इफ लिमिट exist at x is equal to zero then the value of limit must be zero, then the value of limit must be zero, clear हुआ समझ में आया। ठीक है चलो अब एक last point और एक question उसके बाद फिर हम end up करते हैं, एंड अप करते मतलब एक और पार्ट दूंगा मैं उसमें तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस या तो फिर मैं होमवर्क क्वेश्चन दे दूंगा जैसा भी होगा।
अभी के लिए इस पार्ट का ये लास्ट कंसेप्ट होगा। देखना मैं क्या लिख रहा हूं, क्वेश्चन होगा। मैंने लिखा लिमिट एक्सटेंड्स टू, लेट्स से लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 प्लस इज लेट्स से 5 और दे दिया एफ एक्स इज इवन। तो मैं दिस इंप्लाइज लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, इज इट करेक्ट और नॉट। और हमें फैक्ट यूज करना है फंक्शन इवन है और ये दिया है, तो बताना है कि ये ट्रू है या नहीं है। तो वीडियो पॉज करो, तुम लोग सोचो और मैं तो अब डिस्कस कर रहा हूं, तो हमें आंसर मिलेगा नहीं ये गलत है। क्यों गलत है, अगेन वी विल जंप टू द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। तो उसने बोला है लिमिट एक्सटेंड्स, तो अच्छा देखो अगेन देखो, हमें जब भी हमें कुछ चीज वायलेट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा केस सोचते हैं जो इसको वायलेट करे, क्योंकि अगर एक भी ऐसा केस मिल गया जो इस कंडीशन को वायलेट कर रहा है तो हमारे लिए हम जनरलाइज नहीं लिख सकते। समझ में आया ना, जब हम बोलते हैं ना कि इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ट्रू, तो हमें हर एक केस सोचना पड़ता है, मतलब दिस शुड बी ट्रू फॉर एवरी केस। अगर एक भी केस ऐसा मिल गया कि ये वायलेट हो रहा है तो हम बोलेंगे दिस इज फॉल्स। तो मैं एक ऐसा केस सोचूंगा जो ये कंडीशन वायलेट कर रहा है, ठीक है ना, फेवर कर रहा है ऐसे तो इनफाइनाइट केस बना रहा हूं, लेकिन पहले मैं ऐसा केस सोचूंगा जिससे ये वायलेट हो जाए। तो देखो बनाया लिमिट एक्सटेंड्स टू, देखना लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 प्लस पे ये वाली ब्रांच यूज हो रही है एंड दिस इज 5 और ये मैंने ले लिया लेट्स से 6। तो अब फंक्शन इवन है, इवन है तो मेरा क्या होगा, ये वाली ब्रांच ऐसी कुछ होगी, ये वाली ब्रांच ऐसी कुछ होगी और ये मेरा अगेन माइनस 4 होगा। तो अब देखो क्या ये ट्रू है, नहीं। इवन इवन का फैक्ट हम कहां यूज करेंगे, इस पार्ट पे यूज करेंगे माइनस 4 पे और वो भी नेगेटिव साइड से, मतलब ये इंफॉर्मेशन से हम जो पहले किए थे क्वेश्चन, ये इंफॉर्मेशन डिडक्ट करेंगे कि 4 माइनस पे एफ एक्स का लिमिट विल बी 5। दिस इज करेक्ट बट दिस इज नॉट करेक्ट ना। देखो अगर 4 माइनस पे देखूं तो ये वाली ब्रांच यूज हो रही है ना और लिमिट इसके एलएचएल क्या होगा 6, एलएचएल क्या होगा 6 और आरएचएल क्या है, वो तो दिया ही है क्वेश्चन में 5, उसी के हिसाब से तो हमने ग्राफ बनाया है। तो LHL is not equal to RHL, तो ये ट्रू होगा क्या, नहीं होगा। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। सो दिस विल एंड अप योर चैप्टर लिमिट, और अगर कोई भी डाउट आता है स्पेशली वो sin x upon x वाले पार्ट या tan x by x में, ठीक है ना, तो बिंदास पूछो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये जो मैंने आज का क्लास लिया है ना, ये समझ लो आज का जो क्लास है दैट इज मेनली फॉर द एडवांस कंसेप्ट्स, मतलब एडवांस में इतनी बारीक बारीक चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो जो भी एडवांस के लिए सीरियस है अच्छे से देखना वीडियो, ठीक है ना, और कहीं भी कैसा भी डाउट आता है फील फ्री टू आस्क, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैंने बताया कि अगर आज की आज मैं एक और पार्ट दे दूंगा, नहीं तो फिर वो कल दे दूंगा, बट डेफिनेटली टुमारो वी विल स्टार्ट विद कंटिन्यूटी। एक क्वेश्चन मुझे कुछ क्वेश्चन और कराने हैं तुम लोगों को एक्चुअली लिमिट्स पे, या तो मैं पेज पे दे दूंगा या फिर उसका वीडियो बना के देता हूं, ठीक है, जैसा भी होगा टाइम जैसा भी परमिट करेगा मुझे। तो दैट्स इट, ओके।